नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। हमने एक श्रृंखला आरंभ करी थी मांगलिक योग या मांगलिक दोष, उसी का आज दूसरा खंड, भ्रांतियां और सच। आज उसी के दूसरे खंड में हम ये देखेंगे कि मांगलिक योग और मांगलिक दोष में क्या अंतर है या किस प्रकार से इसको देखना चाहिए। जैसे मैंने बोला था, इसके लगभग चार खंड बनेंगे क्योंकि विषय थोड़ा विस्तृत भी है और इसके बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं भी लोगों के दिमाग में रहती हैं। आज इसके दूसरे खंड पे बातचीत करेंगे, मांगलिक योग या मांगलिक दोष, कितना सच है कितना भ्रम है। दो चीजों को आज साझा करेंगे। इसमें मंगल को ही इतना क्यों महत्ता दी गई है, जबकि मंगल के नाम में अगर मंगल छिपा हुआ है तो मंगलकारी या मंगल ही होना चाहिए, उसके बावजूद भी इसमें मंगल के नाम पे या मंगल ग्रह के बारे में ही क्यों कहा गया। मुख्यतः जो सात ग्रह, दो छाया ग्रह, तो उसमें बृहस्पति, मंगल, शनि को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ग्रहों की जो मुख्य दृष्टि है वो अपने से सीधे सातवें स्थान के ऊपर पड़ने वाली दृष्टि है। एकपदी द्विपदी दृष्टि के बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे। लोग छाया ग्रह राहु और केतु की दृष्टियों को भी काफी लेते हैं, उनका अपना मत है और उनके अपने अनुभव है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं जो मंगल को मिलने वाली विशेष दृष्टियां हैं। शनि, बृहस्पति, मंगल, इनको विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, अर्थात इनका जो विजन है वो सप्तम भाव पे तो है ही, साथ में दो अतिरिक्त दृष्टियां इनको प्राप्त हैं। अब इन्हीं को क्यों अतिरिक्त प्राप्त है, ये वैसे तो एक एस्ट्रोनॉमी का विषय है, लेकिन फिर भी ये समझ लीजिए। सबसे ऊपर आकाशीय मंडल में शनि की कक्षा, उससे नीचे बृहस्पति की कक्षा, फिर उसके बाद मंगल की कक्षा, ऐसे एक एक कक्षाओं को नीचे करते जाइए तो जो जितना ऊपर, जितनी ऊंची मंजिल पे बैठा होगा, जाहिर सी बात है कि उसका देखने का जो दायरा है, जो सीमा है, वो उतनी विस्तृत होगी। जैसे कि हम अगर किसी भी मंजिल के, किसी भी भवन के अगर छत पे जाके खड़े होते हैं तो हमें आसपास दूर दूर तक की चीजें दिखाई देती हैं। उसी प्रकार से, क्योंकि मंगल अपने आप में बाहरी जो सूर्य कक्षा से ऊपर के ग्रह हैं उनके अंदर आते हैं, तो इनको दो दृष्टियां अतिरिक्त प्राप्त हैं और उन दो दृष्टियों के कारण से ही इसमें मांगलिक योग की श्रेणियां आती हैं। ज्योतिष में तीन प्रकार का फल कथन आता है, ग्रह किस राशि में बैठा है, ग्रह किस ग्रह के साथ बैठा है और ग्रह की दृष्टियां कहाँ हैं। और मांगलिक योग के अंदर एक और भी शामिल है कि ग्रह किस भाव में बैठा है। क्योंकि शनि विरक्तति का, संन्यास का, एकांतवास का, गहरे अध्ययनों का ग्रह है, बृहस्पति परिवार को बनाने के, ज्ञान के,
अंतर्ज्ञान के, प्रज्ञान के, विस्तार के ग्रह हैं। किंतु मंगल के बारे में जो ग्रह समीक्षा है, तो ये सूर्य की जो राज दरबार है उसके सेनापति हैं। तो सेनापति का अर्थ तो सेना को आगे बढ़ाना है, उसको तो आदेश का पालन करना है। तो इसके कारण से मंगल के साथ उग्रता या थोड़ा सा उग्र स्वभाव जुड़ा हुआ है। तो जहां ये बैठेंगे, जहां ये दृष्टियां डालेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसको थोड़ा प्रभावित तो करेंगे। इसीलिए पिछली श्रृंखला में जो हमने बोला था कि कुजा दि दोष और मांगलिक योग, ये दोनों अलग अलग दो परिभाषाएं हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं मंगल के दृष्टि के कारण से, मंगल ही क्यों इसमें इतना महत्व दिया गया है। इसको फिर एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहां पे मंगल अगर लगन में बैठे हैं तो सप्तम दृष्टि तो सामने है ही है, चौथे स्थान पे और आठवें स्थान पे भी उनकी जो दो अतिरिक्त दृष्टियां हैं वो बनी हुई है। तो क्योंकि इनके अंदर उग्रता है, तो सातवें स्थान के साथ साथ पारिवारिक सामंजस्य, मित्रों का मिलना मिलाना, बंधु बांधवों के साथ संबंधों का कैसा बना रहना, उन सबके ऊपर भी दृष्टि के द्वारा असर पड़ता है। सातवें स्थान में तो है ही है, लगन में उसका प्रभाव है ही है सातवां स्थान। फिर दाम्पत्य जीवन का, आपके व्यापारिक साझीदारों का, विदेश जाने की यात्राओं का और रोजमर्रा की जिंदगी का है। अष्टम स्थान जैसे बोला था, चिरायु, आयु, गड़ा हुआ धन, आपकी आयु के पूरे होने में क्या कारण रहेंगे, किस प्रकार से उसमें कोई घटना या दुर्घटना तो नहीं घटेगी, वो आठवां स्थान। तो यहां हमने देखा कि मंगल का सीधा सीधा संबंध सप्तम स्थान से बन रहा है। इसके कारण से मंगल की दृष्टि सप्तम स्थान पे आने से विशेष महत्व इसमें बन जाता है। जब चौथे स्थान के मंगल को बोला, तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो फिर घूम के सातवें स्थान पे पड़ी, तो यहां पे भी सप्तम स्थान के ऊपर उसकी दृष्टि बनी ही हुई है। जब वो कुदरती सातवें स्थान में ही है, तो अपने आप में वहीं बैठे भी हुए हैं, तो बैठने का असर वहां पे दे रहा है। मंगल आठवें स्थान में है, तो आठवां मैंने बोला ये आपकी चिरायु का स्थान है, तो यहां पे मंगल सौभाग्य के लिए, विशेषकर कि उसमें कोई त्रुटि ना हो, उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसके लिए इसको देखा जाता है। और जब घूम के इसको बारहवें स्थान पे भी जब हम बनाएंगे, तो सप्तम दृष्टि यहां पे और अष्टम मंगल की जो दृष्टि है वो फिर दोबारा घूम के सातवें स्थान पे ही आती है। तो अगर देखें तो दो स्थान, सातवां और आठवां, ये सुखी पारिवारिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और चिरायु के लिए विशेष बने। तो इस कारण से इसको मंगल की दृष्टियों के फल के साथ
इसीलिए इसको मंगल के लिए विशेषता बोला गया। अर्थात जो मंगल की दृष्टियां हैं, जो मंगल की दृष्टियां हैं वो भी अपना पूरा प्रभाव डाल रही हैं, पूर्ण प्रभाव डाल रही हैं। आठवां लगन से बैठ के सप्तम स्थान को देखते हैं, चौथे से बैठ के सप्तम स्थान को देखते हैं, आठवें में बैठ के अपने आप में ही थोड़ा सा सावधानियां बताते हैं, द्वादश स्थान में बैठ के फिर दोबारा से सप्तम स्थान को जरूर देख रहे हैं। तो जो जीवन का महत्वपूर्ण अंग है जीवन साथी, तो कहीं उस के साथ वैचारिक भिन्नता, वैचारिक मतभेद, मन भेद ना रहे, इसके कारण से मंगल को विशेष दर्जा दिया गया है। लेकिन जब कुजादि दोष बोलते हैं, कुछ मंगल और उसके साथ और भी उग्र ग्रह बैठे हैं, ऐसा समझिए, मैं मान लीजिए अपने घर पे अपने स्थान पे अपनी बालकनी में खड़ा हूं और मेरे ठीक सामने ऐसे व्यक्ति रहे जिनके कारण से मैं थोड़ा असहज महसूस करूं, तो स्वाभाविक है कि फिर दिक्कतें आती हैं। इसीलिए उन और उन के साथ और भी कुछ इस तरह के लोग खड़े हों जो परेशानी दें, तो ये योग और ज्यादा भ्रामक नहीं कहना चाहिए, और ज्यादा सावधानी पूर्वक हो जाता है। तो आज के वार्तालाप में हमने देखा कि मंगल ही क्यों इसमें बोले गए, या मंगल को ही इसमें क्यों लिया गया, क्योंकि मंगल के पास जो दो विशेष दृष्टियां हैं वो कहीं ना कहीं सातवें स्थान से संबंध बना रही हैं, और आठवें स्थान में जाके भी मंगल एक विशेष प्रकार का सावधानियां बताता है। इसके बाद आते हैं, जब मांगलिक योग या कुजादि दोष की चर्चा हुई तो उसमें कहा कि प्रथम चतुर्थ लगने च पाताले जामित्रे, अर्थात जो पहला स्थान है, चौथा स्थान है, सातवां स्थान है, अष्टम स्थान है और बारहवें स्थान में, तो वहां पे मनीषियों ने भाव के लिए विशेषता बोला गया है। क्यों ऐसा? मेरे आचार्य कहते हैं कि राशि उसके मानसिक रुझाव को बताती है, भाव उसकी शारीरिक रचना को या जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बारे में दर्शाता है। तो जब मंगल पहले भाव में हो, या ध्यान करने वाली बात है, मैं भाव की बात कर रहा हूं, जब मंगल पहले भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो, यहां एक और भी बात आई कि भाव को कहने का तात्पर्य क्या है। जब लगन कुंडली बनी है तो भाव तो उसके अंदर है ही, लेकिन जैसे जैसे हम अगर दिशाओं की बात करें तो भारत और उसके ठीक पीछे अमेरिका, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो इसका मतलब चार खंड अगर बांट दिए जाएं, तो जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ आगे बढ़ेंगे तो जहां पे कई कई दिन सूर्य नहीं निकलता और कई कई दिन सूर्य निकला रहता है, तो लगन उदय और लगन अस्त को कैसे निर्धारित करेंगे?
आचार्य ने बताया कि यहाँ पे समभाव विभाजन की महत्ता बहुत है, अर्थात जो भी लगन के अंश हैं उसके अंदर 15 जोड़ें, अगर वो कम है या 15 घटाएं, अगर वो ज्यादा है तो फिर उसके बाद ग्रह की स्थिति देखें कि क्या वो जिस स्थान में नजर आ रहा है मंगल, क्या वो उसी स्थान में है। दोबारा से स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे लगन के जो अंश हैं वो केवल 10 हैं, मंगल के अंश 29 हैं, जाहिर सी बात है कि 10 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 25 पहुंचे, तो 25 अंशों से जो ऊपर का ग्रह है वह राशि बदल जाएगा। संभाव विभाजन की जो कुंडली है उसके अंदर अगर हम देखें तो मंगल जहां पे नजर आ रहे थे मुख्य कुंडली में, वहां से खिसक के अगले स्थान में है। यहां वो सप्त मांगलिक जातक बन रहा था और यहां पे वो अष्ट मांगलिक जातक बना, मतलब भाव कुंडली के अंदर मंगल यहां है। तो जब वो अष्ट मांगलिक है तो और अत्यधिक सावधानियां बनी, और जब वो सप्त मांगलिक है तो थोड़ा सा फिर भी ये सुगम लगा कि अब मांगलिक तो है लेकिन इतनी बहुत ज्यादा वरेता के साथ, चिंता के साथ इसको नहीं देखना चाहिए। मान लीजिए यही लगन की डिग्रियां उल्टी होती, मान लीजिए मंगल की डिग्रियां 10 होती और लगन की डिग्रियां केवल और केवल लगन की डिग्रियां 29 होती तो मंगल यहां की बजाय यहां होते, तो फिर वो मांगलिक जो योग है उसमें फर्क पड़ जाता। ये एक ज्योतिषीय गणना और गणितीय गणना के साथ इसको जोड़ा गया है समभाव विभाजन के अनुसार। ये एक मत हुआ। दूसरा मत इसके अंदर क्या है, जो जो मेरे वैदिक आचार्य रहे उनके साथ बैठ के जो सीखा और उनसे जो समझा, उन्होंने कहा कि संभाव विभाजन बात ठीक है लेकिन लगन का अपने आप में एक महत्व है, लग्नेषु प्रधानतः, तो इसीलिए भले ही वो भाव चलित में आगे या पीछे है लेकिन फिर भी थोड़ा उसके पक्ष को विचारना जरूर चाहिए। एक व्यक्ति यहां नजर नहीं आ रहा है या एक व्यक्ति यहाँ पे ही है, इसमें थोड़ा सा शोध का विषय बनता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके ऊपर जो भाव से भाव को जोड़ के देखना है, जैसे मान लीजिए ग्यारहवें स्थान का स्वामी अगर सातवें में है तो उसके क्या रिजल्ट हैं, परिणाम है। ग्यारहवें स्थान का स्वामी अगर आठवें में है तो क्या परिणाम है। इससे जो असल मूल चीज है उस तक पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। जब आप जातक से संबंधित चीजें पूछेंगे तो वो जरूर आपके साथ साझा करेगा कि मेरे साथ ऐसा है। जब ग्यारहवें का स्वामी सातवें में है तो जीवन साथी से आय की प्राप्तियां कराता है और कभी कभी जीवन साथी
के माध्यम से रोजगार भी करवाता, और भी कई इसके शुभ और थोड़े देखने वाले प्रभाव देखे गए हैं। इसी प्रकार से अगर छठे का स्वामी सातवें में है तो इसके क्या प्रभाव है, और छठे का स्वामी आठवें में तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जब छठे का स्वामी आठवें में तो कई बार दीर्घकालीन रोग देता है, और छठे का स्वामी सातवें में जीवन साथी से वैचारिक मतभेद उत्पन्न करता है या कई बार सेहत के लिए थोड़ा सावधानियां बताता है। तो दो मत इसके अंदर निकल के आए, भाव क्या कह रहा है, संभाव पद्धति, और जो वैदिक पद्धति है वह क्या कह रही है। दोनों के आधार पे निर्णय तय करें, फिर उसके बाद कोई सटीकता से, कोई प्रमाणिकता से कोई जवाब देने की कोशिश करें। ज्योतिषियों के लिए, विद्वानों के लिए जरा सी भी त्रुटि बिना मतलब के परेशानी में डाल सकती है। आज हम देखें तो एक रोग के लिए भी जब कोई व्यक्ति किसी चिकित्सक के पास जाता है तो वो उसे कई प्रकार के सवाल पूछ के रोग तक पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे खांसी है तो क्या सूखी है या बलगम वाली है। अब साधारणतः तो आदमी यही बोलेगा कि खांसी ही है, लेकिन अगर वो सूखी है तो उसका अलग परिणाम है, और वो बलगम वाली है तो उसका एक अलग परिणाम है। बुखार लगातार बना हुआ है या बुखार कभी कभी आ रहा है, दोनों के अलग परिणाम है। इसी तरीके से ज्योतिष में भी निरंतर शोध परिणामों के साथ जोड़ के नई चीजों को बनाना, देखना, अनुभव के साथ उसको साझा करना, ऐसा मेरे आचार्यों ने मुझे बताया। आचार्य मिश्र, आचार्य ओम प्रकाश जी, आचार्य श्री शंकर नारायण जी, और नारायण स्वरूप जय नारायण जी, इनका कोटि कोटि धन्यवाद कि इनके द्वारा जो मुझे सीखने को मिला वो मैंने आपके साथ साझा किया। तो आज की चर्चा में क्या निकल के आया, मंगल को विशेषता इसलिए बोला क्योंकि मंगल के पास जो दो अतिरिक्त दृष्टियां हैं वो सातवें स्थान पे कहीं ना कहीं दृष्टियां जरूर बनाती हैं। केवल आठवें स्थान में जाके मंगल दूसरे प्रकार के योग बनाता है, लेकिन वो भी अपने आप में मांगलिक योग है। दूसरा संभाव विभाजन पद्धति और लगन पत्रिका, वो आपके अनुभव के ऊपर है, आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। संबंधित प्रश्नों को पूछ के जब आप जातक से चीजों को साझा करेंगे तो वो बता देंगे कि हमारे साथ इस तरह के, तो आपको सटीकता की तरफ पहुंचने का काफी आशीर्वाद मिलेगा कि जो जन्मांग हमारे सामने है क्या वही इसके अंदर योग बने हुए हैं। एक बात आप लोगों से साझा करेंगे, देखिए पुस्तकों में पढ़ना और फिर उनको आचार्यों के साथ बैठ के उस पे निर्णय तक पहुंचना, दोनों में बहुत अलग अलग बात है। घर में पुस्तक पढ़ के कोई भी व्यक्ति पुस्तक का ज्ञानी हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग, सदुपयोग सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ कैसे प्राप्त किया जाए, ये गुरु की और आचार्य की विशेष कृपा के ऊपर निर्भर है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मेरे गुरु जो है ब्रह्मलीन हो चुके हैं, और मेरे परम आचार्य जिनके समय समय पे आज भी कभी आवश्यकता होने पे उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। मेरे ऐसे भी आचार्य रहे जो
केवल एक छोटी सी बात कहके ही गागर में सागर बढ़ने का काम करते हैं कृष्ण जी। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद दो खंड इसके और बचे हैं तो जिसमें हम ये साझा करेंगे कि किस प्रकार से इसके शास्त्रीय वैद्यकीय परिहार अर्थात उपाय रेमेडीज हैं और इसके कैंसिलेशन के अर्थात मांगलिक योग तो दिखाई दे रहा है लेकिन वो मांगलिक योग है नहीं, वो भंग है, या उसको कैसे कंसीडर किया जा सकता है, कैसे उसके बारे में विचार किया जा सकता है, ये दो खंड और बना के इस श्रृंखला को पूरा करेंगे। उसके बाद जो नवरात्रों की साधनाओं के ऊपर एक श्रृंखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो पहले आरंभ करें और फिर उसके बाद सर्पकाल योग के ऊपर भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आज घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, जैसा प्रदेश सरकार, राज्य सरकार या भारतवर्ष की सरकार के सुझाव है उनका पालन कीजिए। धन्यवाद, छोटी चर्चा में भाग लिया आपने। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स लिखिए, लाइक और अगर आपको नहीं भी पसंद है तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से नई चीजें आपको मिलेंगी। त्रुटियों के लिए क्षमा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम, नमस्कार।